वही जनपद पौड़ी में एक बार फिर से वन अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी हैं। ऐसा ही ताजा मामला बैंक ऑफ बड़ौदा के नजदीक से आया है, जहां सीएमओ ऑफिस के समीप जंगल में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसी दौरान स्थानीय निवासी कमलेश बलूनी ने बताया कि इस अवश्य कॉलोनी के ठीक नीचे चीड़ के पेड़ों का जंगल है, जिस पर हर साल इसी तरह से आग लगता है और लोगों को जान जोखिम पर रहता है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि आईने के पेड़ों को कटाया जाए। आग जो है 2 घंटे पहले से लगी हुई थी, थोड़ा दूर थी पहले हमारे घर से, लेकिन उसके बाद ये भड़कती हुई चली गई और उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया, 108 पे फोन किया, फिर अपने सब जो हमारे अपने संसाधन थे, पानी हमने इकट्ठा किया हुआ था, तो उसके कारण हमें बुझाने लगे, तो फायर ब्रिगेड वाले भी यहाँ गए, जिससे काफी मदद आग मिली है। वन विभाग वाले भी पहले आए थे बीच में, लेकिन उन्होंने जब आग की स्थिति देखी बड़ी खतरनाक है, तो वो भी यहाँ से चले गए, क्योंकि उधर जाना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं रहा होगा। लेकिन अब फायर ब्रिगेड आई है तो काफी क्या उसने आग को उन्होंने नियंत्रित कर लिया है, और बाकी हम सभी लोग जो यहाँ के निवासी हैं, तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि वो जो फायर ब्रिगेड है उसके साथ में हम मिलकर के काम कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं किसी न किसी तरह से, और आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले तो फर्स्ट कॉल आए थे बैंक ऑफ बड़ौदा की बैक साइड में, लगभग 1 बजे के समथिंग का है ये, 1:00 का। उसके बाद फिर सेकंड कॉल पे हम हो गया होगा, 1 घंटा लगभग हो गया, और 1 घंटे से इस साइड में लगे हुए हैं अभी सीएम ऑफिस के साइड में, तो यही बेल्ट पूरी चली आ रही है।